अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भी खैरियत से ठीक ठाक हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नूर ने भी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखा है, मैंने भी रोज़ा रखा है। आज रमज़ान मुबारक का 10वां रोज़ा है, जो कि आज पहला अशरा कंप्लीट हो चुका है। आपने बताना है कि जो आपके रोज़े हैं वो कैसे जा रहे हैं? हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे जा रहे हैं। मैंने जो है ना एक रोज़ा छोड़ा, वो भी हमारी आँख नहीं खुली। नजम का भी एक रोज़ा छोड़ा है, शायद दो। नजम को एक दिन बुखार था, दो। तो बाकी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे रोज़े जा रहे हैं। आज जो है ना हम आए हैं बोटैनिकल गार्डन में, जो कि हमारा मकसद यहाँ पे आने का ये है कि आज हम जो है ना अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि हमने ज़ीरो से हम हीरो कैसे बने, हमने अपना चैनल कैसे ग्रो किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा चैनल है वो किस तरह से मोनेटाइज हुआ, कितनी स्ट्रगल हमने की, कितने चैनल्स बनाए, और किस तरह से जो हमने ना आज इस मुकाम पर हम आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, वो भी आप लोगों की प्यार की, आप लोगों की दुआ की वजह से ही हुए हैं। तो ऐसे ही जिस तरह से आप हमें अब जो सपोर्ट कर रहे हैं, आगे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अब हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते जी, हैं। बिल्कुल इसी तरह जो है ना काफ़ी देर से हम इस चीज़ की ना कोशिश कर रहे हैं। नूर को बेसिकली जो है ना वो ज़्यादा पसंद था कि जो है ना मैं चैनल बनाऊँ, और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह नूर ने एक एजुकेटेड है, नूर ने एमए किया और गोल्ड मेडलिस्ट है, तो जॉब के लिए अप्लाई किया बाहर, और पाकिस्तान के हालात देखे तो जो है ना वो बिल्कुल सूटेबल नहीं, मुझे फिर अच्छा नहीं लगा। तो नूर ने कहा कि मैंने जो है ना, नूर को शौक था, तो फिर मैंने कहा कि नूर तुमने बाहर कोई काम नहीं करना, तुम घर में बैठो और अपना चैनल जो है ना उस पर काम करो, सोशल मीडिया पे आप काम करो, आपको इसका शौक भी है तो आप इजी होकर करो, कोई टेंशन नहीं है, मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर तकरीबन कब स्टार्ट किया था आपने? मैंने ना शादी से पहले 2020 में जो है ना मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था एजुकेशन का, ठीक है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज है, लेकिन उस पर इतनी शादी से पहले जो है ना सपोर्ट नहीं थी घर वालों की, वो भी मैंने बना लेनी तो ठीक है, बस जो है ना अपलोड कर देनी। उसमें ये था कि जो मैंने जब वॉच टाइम था ना वो, और मैंने सब्सक्राइबर्स तो नहीं थे बाई किए, लेकिन मैंने वॉच टाइम था ना वो बाय किया था, तो इस वजह से वो जो चैनल तो अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो गया था, लेकिन जो आप लोग जो है ना जैसे मैंने बाय किया, वो आप इस तरह से वॉच टाइम जो है वो ना खरीदें, क्योंकि ये गलती ना करें, जैसे कि हमने बहुत सी लोगों की जो है ना लोगों को देखा, उन्होंने बताया हमें कि आप लोग जो है ना अपना वॉच टाइम, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स वगैरह जो है ना बाय करें तो आपका चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ना हमें था कि यार काफ़ी मेहनत करनी है तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो पैसे लगाए, काफ़ी कुछ लोगों को पैसे दिए, उन्होंने हमारे पैसे खा लिए, पैसे जो है ना वो मोनेटाइज के लिए जो है व्यूज वगैरह नहीं दिए उसने ना। शुरू शुरू में ये होता है कि ना काफी प्रॉब्लम्स आई हमें, इंसान ग्रो करने की ना कोशिश करता है कि जल्द से जल्द हमारा जो चैनल है ना वो मोनेटाइज हो जाए और हमें भी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, लेकिन हम जो है ना सब फॉर सब कर लेते हैं, ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर और दूसरी जगह पे भी ग्रुप्स होते हैं फेसबुक पे, यहाँ से सब फॉर सब करें तो आपके जो सब्सक्राइबर है ना वो जल्दी कम्प्लीट हो जाएंगे, और एक दूसरे की आप मेरी वीडियो वॉच करें मैं आपकी वॉच करता हूँ, ये बिल्कुल ही गलत मेथड है। हम भी इस तरह से जो मैंने पहले चैनल बनाया, हमने भी ऐसी गलतियां की हैं काफी ज्यादा, तो आज मकसद यही है आपको बताने का कि हमने कौन कौन सी गलतियां की जो कि आप ना करें। न्यू यूट्यूबर जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था, अब मैंने कम से कम अब शादी के बाद ना हमारा ये तीसरा चैनल है, तीसरा या चौथा मेरा चैनल है, ठीक है, तो दूसरा जो पिछला चैनल था उसके ऊपर यही मिस्टेक्स हुई थी कि मैंने ना जो था मिक्स कंटेंट डाल दिया था, कभी किसी की, कभी मजलिस की, कभी इधर की, कभी उधर की, घर की रूटीन, हर जगह की, मतलब जहाँ पे क्योंकि, भी मैं जाती थी, क्योंकि हमें पता नहीं था ना कि जो है ना किस कॉन्टेक्ट पे काम करना है, कैसी वीडियोस बनानी है, तो हम जहाँ पे जाते थे हम अपना जो है ना वीडियो बना लेते थे, व्लॉग बना लेते थे, हमें कोई टेंशन नहीं थी, बस वैसे एंजॉयमेंट थी साथ साथ, और साथ में हमने वीडियो बना लेनी,
तो इस पे काफी टाइम वेस्ट किया हमने। फिर हमने जो है ना, पहले तो मैंने वॉच टाइम बाय किया, तो चैनल तो मोनेटाइज हो गया था, लेकिन ये था कि मोनेटाइजेशन के बाद ना जो सब्सक्राइबर मेरे गेन हो रहे थे और ना ही जो लोगों ने मुझे वॉच करते थे, सब फॉर सब किया हुआ था, वो वीडियो वॉच करते थे, वो सिर्फ अपना सब्सक्राइबर बाय करने के लिए लेने के लिए, तो बस वो सब फॉर सब कर रहे थे बाद में, लेकिन आपकी वीडियो पे नहीं आते, वो वॉच टाइम नहीं आता। फिर इस तरह से होता है कि यूट्यूब का क्राइटेरिया जो होता है उसके खिलाफ है कि आपकी जो सब फॉर सब हैं, जो सब्सक्राइबर आपको ओरिजिनल सब्सक्राइबर होते हैं वो तो वॉच करते ही करते हैं, जो हम खरीद लेते हैं बाय जिस तरह से हमने किया, वॉच टाइम भी खरीदा, चैनल तो मोनेटाइज हो गया, लेकिन चैनल आपका वो ग्रो नहीं करेगा, उस पर आपको ना फोकस करके जो है ना वीडियो शूट करनी पड़ेगी। अब ये है कि दूसरा चैनल मैंने स्टार्ट किया शादी के बाद, ठीक है, तो वहाँ पे ये हुआ कि मैंने वहाँ पे भी इस तरह की मिस्टेक्स की, तो यही था कि जो हमने वॉच टाइम बाय किया था ना मैंने, तो दूसरे चैनल में भी मैंने ऐसे ही मिस्टेक्स की थी जल्दी ग्रो होने के लिए। उधर से पहले ये है कि शादी के बाद जो नजम की सपोर्ट पहले जो है ना वो थोड़ी कम थी, क्योंकि नजम इतने इस फील्ड में नहीं थे, क्योंकि मैं थी इस फील्ड में शुरू से। हाँ, मुझे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ICS किया, उसके बाद मैंने फर्दर स्टडी की, लेकिन मुझे जो है ना पाकिस्तान में रहते हुए ये महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान में हम ऑनलाइन कुछ भी नहीं कर सकते, फेक है हर चीज़। हाँ, हर चीज़ फेक है, टाइम वेस्ट करना है, पैसे ज़ाया करने, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे ज़ाया किए, कभी किसी को सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूज़ के लिए पैसे देना, वो टाइम के लिए दी, लेकिन वो हमारे ऐसा नहीं होता था, इसलिए जो है ना मैं काफ़ी फेडअप हो गया इससे कि यार ये तो काम नहीं सही है, ऐसे जो है ना लोग पैसे ले जाते हैं, झूठ बोलते हैं। तो नूर ने बनाना शुरू किया, मैंने कहा ठीक है अब हमने किसी के साथ जो है ना कोई पैसे वगैरह नहीं देने किसी को, और नूर आपका शौक है, आप इस चीज़ में जो है ना इंटरेस्ट रखती हो, तो आप फिर घर में बैठ कर खुद ही बनाई जाओ, कोई मसला नहीं है, आपको ना बाहर जाने की ज़रूरत है जॉब करने की, और ना ही जो है ना कुछ करने की, आप जैसी ईजी समझती हो वो करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह नूर को जो है इसमें इंटरेस्ट था, सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात है कि इंटरेस्ट, इसके बाद जो है ना सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। शुभ शादी से पहले जो इतनी सपोर्ट नहीं थी, वैसे भी इतना पता ही नहीं था कि मतलब ओरिजिनल है या फेक है, बस ये था कि जल्दी जल्दी हमारा जो चैनल है ना वो ग्रो हो जाए, ठीक है। तो शादी के बाद जो है ना शुरू में तो नजम की सपोर्ट थी, लेकिन बीच में से नजम ना, हाँ मैंने भी देखा कि यार पैसे वेस्ट हो रहे हैं, महंगाई है, पहले इतनी है तो पैसे जो है ना कमा भी रहे हैं, लेकिन पैसे वेस्ट हो जाए ना तो बड़ा दुख होता है, तो फिर मैंने इसलिए कहा कि नूर छोड़ो यार इस काम को, तो लेकिन फिर इसके बाद फिर स्टार्ट किया मैंने ना, मैंने फिर भी चैनल स्टार्ट कर लिया ना, जब कहा पूछा मैंने एक दफ़ा कि मैं कर लूँ, तो फिर इन्होंने कहा चलो ठीक है कर लो, लेकिन इस दफ़ा ना कोई वॉच टाइम वगैरह बाय नहीं करना। तो वॉच टाइम जो है ना मैंने पिछले चैनल का वो खरीद लिया था, वो भी नजम ने मुझे बाय कर दिया था थोड़ा सा, तो आगे कोई था मतलब कोई आ गया था, वो बीच में क्राइटेरिया इस तरह का आ गया था कि जो वॉच टाइम दे रहे थे उनको भी ना वहाँ से भी ना वो वॉच टाइम जो है ना रिमूव होने लग गया था, गिरने लग गया था, डाउन ड्रॉप होने लग गया था, तो इस वजह से ना फिर वो पैसे भी हमारे ज़ाया हो गए और हमें वॉच टाइम भी नहीं आया, फिर हो गए, ठीक है। वहाँ पे ये था कि उस चैनल में बहुत सारी गलतियाँ मैंने की थी, मुझे नहीं था पता, क्योंकि आप भी जो न्यू यूट्यूबर्स हैं वो भी देखने वाले, उनके लिए भी यही मैसेज है कि अगर आपको नहीं पता तो आप ज़रूर हमारी वीडियो को वॉच करें, और भी लोगों ने वीडियोस बनाई हैं उनको भी देखें, हमें भी देखें। फिर ये है कि हमने जो वीडियोस में बनाती थी, मुझे नहीं था पता कि लॉन्ग शॉर्ट वीडियोस इकट्ठी डाल सकते हैं, मिक्स कंटेंट नहीं डालना, ये वो, फिर हमारी जो है ना हमें इसके बारे में ज्यादा जो है ना वो एक्सपीरियंस नहीं था, तो बस जैसा दिल कर रहा था वैसे बना ली, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इजी, क्योंकि इसको हमने प्रोफेशनली बनाया था, इसको बस हमने जो है ना नूर ने इसको सिर्फ जो है ना अपने एक शौक के मुताबिक, इंटरेस्ट के मुताबिक रखा हुआ था, तो मैंने कहा ठीक है बनाई जाओ यार कोई बात नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला, हमने बहुत से लोगों को देखा, मेरे जो है ना कुछ जानने वाले हैं, कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाए, ब्लॉग चैनल बनाए, अपने हैक्स के चैनल बनाए, तो उसके बाद जो है ना मैंने उनको देखा, उसने मुझे गाइड किया, मुझे अवेयरनेस हुई इसके बारे में, तो अब हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है। तो नूर की मामा जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, और कोई भी ज़िंदगी में दुख तकलीफ ना आए, मेरी दिल से दुआ है। तो वो हमारे साथ, वो मेरी भी मामा हैं, वो हमारे साथ जो है ना बड़ा ही सपोर्ट करती हैं, क्योंकि मैंने तो जॉब पर जाना होता है, घर में मैं होता हूँ, नूर होती है, छोटी सिस्टर होती है, ज़्यादा लोग नहीं हैं हम, तो हम जो है ना वो मोस्टली
वीडियोस क्यों शूट हाँ, करती हूँ ना वो फिर मामा के घर जाके मामा घर चल जाते क्योंकि जाना होता है मैंने ड्यूटी पे, फिर घर में कोई नहीं होता तो मैं नूर को छोड़ देता हूँ इसकी मामा के घर, वीडियोस वगैरह मैं बना लेती हूँ। फिर ये है कि हमने जो है ना वो चैनल चेक करवाया तो हमारे यूट्यूबर्स हैं उनका नाम है साहिर रिनटेक, उनका भी चैनल बहुत अच्छा है। थैंक यू साहिर साहब, आपका थैंक यू, आपने हमें सपोर्ट की, हमें गाइड किया बहुत ही अच्छा, उन्होंने गाइड किया, उन्होंने पैसे लिए वो लेते हैं क्योंकि वो अपना टाइम निकाल के, हर बंदे ने अपनी मेहनत की है तो हमने उनको पैसे दिए। तो फिर उन्होंने मेरा जो चैनल है वो प्यारी महानूर वाला, वो भी अभी तक जो है ना वो चल रहा है, उसके भी सब्सक्राइबर 300 से अबव है, तो उसमें ना मिक्स कंटेंट में डालता। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसके अंदर आप लॉन्ग और शॉर्ट वीडियोस इकट्ठी नहीं डाल सकते, आपने मिक्स कंटेंट यूज़ किया, मतलब आप कुछ भी डाल रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं, कभी कहीं मजलिस, ये वो सारा कुछ मिक्स कंटेंट था। उनसे जो है ना बात करने के बाद जो है ना हम थोड़ा ट्रैक पे आए, उसने बताया हमें कि यार आप, पहले तो उन्होंने बता दिया कि यार ये जो आपने मेहनत की है इतनी चीजें जो मिक्स की हुई हैं तो ये तो बिल्कुल फर्क है, तो हमें बड़ा अजीब सा फील हुआ यार। जब आप मेहनत करते हैं इतनी मेहनत की है हमने तो ये बात, ये जो बंदा है ये कह रहा है कि यार ये आपने कुछ भी नहीं किया, ये खराब है। तो लेकिन हमने जो है ना अपना जो है दिल छोटा नहीं किया, मेहनत करना नहीं छोड़ी हमने। इंसान जो है ना वो फेड अप हो जाता है हर बात से। फिर मैंने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा आपका चैनल तो डेड हो चुका है, आपका चैनल आगे ग्रो ही नहीं कर सकता, आप तो इस तरह से करें कि मतलब मैंने 100 से ऊपर वीडियोस ना बनाई थी तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से करें कि यहाँ न्यू चैनल स्टार्ट करें या फिर इसको आप ना बंद कर दें। तो मैं बहुत परेशान थी उस वजह से, तो वो फिर मैंने उसमें से जो मिक्स कंटेंट था वो मैंने डिलीट कर दिया और मैं अभी उस चैनल को अभी स्टॉप किया हुआ। ठीक है जी, उनके कहने पे हमने जो है ना नया चैनल एक बनाया, मैंने एक नया चैनल बनाया जो इसके अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह 2300 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं, वो भी हमने विदाउट वॉच टाइम, कुछ भी नहीं खरीदा ना सब्सक्राइबर, ये ओरिजिनल हमारा, हमने इतनी मेहनत करने के बावजूद जो है ना जो हमारी वीडियो है इंशाल्लाह, हमने एक चैनल हमने स्टार्ट किया महानूर, ये बिल्कुल नेचुरल चैनल हमारा, इसमें हमने किसी को कोई पैसे नहीं दिए, हमने ना इसमें ये है कि जो है ना साहिर साहब ने हमें गाइड किया अच्छे तरीके से, हम उनकी गाइडलाइन को माना, देखा और उस पर हमने चलना शुरू किया, तो इससे जो है ना हमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट की और उनकी मदद से ही हमारा चैनल जो है वीडियो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे रैंक पे गई। एक ही वीडियो मैंने डाली काफ़ी ना अच्छा, 25-30-40 आई थिंक सो वीडियो या 25 वीडियोस मैंने डाली, दो महीने हो गए ना स्टार्ट किए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा 2 मंथ के अंदर जो है ना वो चैनल मोनेटाइज हो गया। एक ही आपकी वीडियो क्लिक होती है, थंबनेल अच्छा बनाए, आपकी डिस्क्रिप्शन है जो टाइटल है वो अच्छी लिखें, तो टैग्स डालें और अपना जो वर्क है वो डेली करें, ये नहीं कि आप चैनल मोनेटाइजेशन के बाद ये होता है कि व्यूज थोड़े डाउन हो जाते हैं, आपने दिल छोटा नहीं करना। जिस तरह से मैं नजम को कहती हूँ हमारा जो चैनल है ना मोनेटाइज हो गया, अब जो व्यूज काम आ रहे हैं, फिर मैंने लोगों को देखा वो बताते हैं कि जो चैनल पे मोनेटाइजेशन के बाद व्यूज जो है ना वो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वॉच यूट्यूब जो है ना वो चेक करता है कि किस तरह से आप रेगुलर आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और रेगुलर काम करते हैं तो फिर आपके जो व्यूज आते हैं फिर ही आपकी जो अर्निंग स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अब हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया, और फिर जो है ना मोनेटाइजेशन जब हमारे वो हो गए थे वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हमारे, तो फिर हमारा जो मसला आ रहा था हमारा एक बहुत बड़ा इशू आ रहा था काफी दिन इसके लिए जो है ना हम परेशान रहे, 15 दिन जो है ना लगातार जो है मेरा एडसेंस अकाउंट जो था ना वो नहीं था बन रहा और मुझे नहीं था बनाना आ रहा, तो उसके लिए हमने 2 दफा जो है ना सिमें खरीदी, न्यू जो है ना नंबर पे वेरीफाई किया, तो काफी टेंशन थी। नूर तो कह रही थी कि हम जो है ना किसी से कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, बनवा लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, क्योंकि लोग जो है बहुत सारी वीडियोस में लोग बताते हैं जी हमारे साथ जो है आप हमसे बाय कर लें, हम बना देते हैं, पाकिस्तान में एडसन अकाउंट नहीं बन रहे, तो टेंशन थी। लेकिन मेरा एक उम्मीद थी, एक माइंड था मेरा कि अब हमने किसी से कुछ भी जो है ना वो खरीदना नहीं है, इतनी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे व्यूज़ हो गए हैं, हमारा सब्सक्राइबर्स वॉच टाइम सारा कंप्लीट हो गया है और अब एडसन अकाउंट रह गया, तो ये भी हमने जो है ना अपनी मेहनत से ही बनाना है, तो ये है कि फिर हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बन गया। तो यहाँ पे ना फिर क्या हुआ, हमारा जो चैनल
जनरल मैंने जो है ना वो मेरा 6 घंटे के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो गया एडसेंट अकाउंट बनने के बाद। तो इसने तो हमारी जो है ना वो प्यारी की, हाँ, सिस्टर है हमारी, हमारी वो भी बहुत अच्छी है, सिद्रा हैक्स है, हैक्स किचन मैंने उनसे बहुत कॉन्टेक्ट किया, उनसे पूछा, उन्होंने बहुत ही अच्छा हमें गाइड किया, उनका भी बहुत शुक्रिया दिल से करती हूँ कि उन्होंने मतलब बार बार जब मैंने उनको मतलब इंसान फैटअप हो जाता है ठीक है विदाउट उन्होंने मनी जो मेरी इतनी सपोर्ट की, मुझे हर मैसेज का जवाब दिया कि इस तरह से आप करें तो इस तरह से करें, उनका शुक्रिया, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा गाइड किया, उनका भी दिल से शुक्रिया करते हैं। तो अब ये है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन हो गया, हफ्ता हो गया हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, तो अब हम जो है ना डेली वर्क कर रहे हैं। आपने भी ना दिल छोटा नहीं करना और अपना डेली काम करना है जिससे आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। यहाँ पे यही बताने का मकसद है कि आप जो फेक वॉच टाइम होता है वो बाय ना करें और सब्सक्राइबर वगैरह बाय ना करें, इससे ये होगा कि बाय तो कर लेंगे लेकिन जो आपके सब्सक्राइबर ओरिजिनल जो है ना वो आपके कभी नहीं आएंगे फिर, क्योंकि ये है कि अगर आप बाय कर लेंगे तो वो आपकी वीडियो को सिर्फ एक ही दफ़ा क्लिक करेंगे, एक ही दफ़ा वॉच करेंगे सिर्फ अपना सब्सक्राइबर लेने के लिए, वॉच टाइम लेने के लिए, उसके बाद तो ऐसे ही होता है जैसे तू कौन और मैं कौन ठीक है, तो फिर वो उनका काम पूरा हो जाता है ना, सिर्फ एक व्यूज से तो नहीं ना अर्निंग स्टार्ट होती, और वो भी ओरिजिनल नहीं है, फेक है, सब को सब करके करते और जो है बेसिकली हमने स्टार्ट किया कुछ तो हमारा जो है ना नूर का इंटरेस्ट था इसलिए, और दूसरा ये है कि इसे काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही है, पाकिस्तान में बिजनेस जो है ना वो अच्छे नहीं हो रहे, इतना पढ़ के हम जॉब ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रही, प्राइवेट जॉब पे जाते हैं, वो स्ट्रिक्टनेस है, सैलरी बड़ी कम है, और जो है ना वो बड़ा बुरा लगता है कि यार उनकी हर डिमांड पे पूरा उतरना, स्ट्रिक्टनेस, लेट नहीं होना, ये नहीं होना वो, तो मुझे ना ये चीजें बड़ी बुरी लगती हैं यार कि थोड़ा सा लेट हो जो वो कहते हैं चलो जी तुम फारग हो मतलब जॉब से, बंदे की यार एक रिस्पेक्ट नहीं रहती प्राइवेट में, यही सीन होता है, तो इस वजह से यही है कि जो लेडीज तो हैं मैं जो जितने भी बहन भाई दोस्त अजीज वकार मेरा चैनल देख रहे हैं, हमारा व्लॉग चैनल देख रहे हैं, मैं तो उनका हर बात पे शुक्रिया गुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ इतनी सपोर्ट की, तो मैं उनको ये बात जो है ना एक आइडिया और एक इन्फॉर्मेटिव बात यही देना चाहता हूँ, पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ, लोगों के पास भी काम करते हैं ऑफिस में, मुख्तलिफ कैटेगरीज में काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर आप देखिए कि कितनी आप मेहनत करते हैं, आपने 9 घंटे 10 घंटे 8 घंटे लगातार काम करना है, स्टार्ट रखें तो साथ साथ, और लेकिन साथ साथ चैनल भी आप मैं उनको यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि आप इतनी मेहनत करते हैं लोगों को 2 घंटे इसको भी दिन में, तो जैसे आप वहाँ पे मेहनत करते हैं ना दूसरे काम में, आप वैसे ही जो है ना इसको सीरियस लें, इस पर अपना काम करें, इस पर वर्क करें, मेहनत करें, और अल्लाह ताला जो बंदा दिल से मेहनत करता है उसको उसका अजर ज़रूर देते हैं। तो मैं यही सबके लिए, बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए पैगाम है यार, दिल से एक अच्छा आइडिया दे रहा हूँ, जैसे लोगों ने हमें बताया, जो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, अच्छे लोगों ने हमें बताया कि यार आप इस तरह काम करें, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने चैनल्स पे काम करें, ये आपका खुद का अपना बिजनेस है, आप इस पे इन्वेस्ट करें, टाइम इन्वेस्ट करें, तो इसका आपको ज़रूर जो है ना एक अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स मिलेगा जिस तरह हमें मिल रहा है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अभी जो है हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग है, क्योंकि मुझे तो मोनेटाइज अब हुआ है, मैं इसको अब सीरियसली कर रहा हूँ, पहले मैं इसमें टाइम नहीं दे रहा था, मैं कह रहा था कि ठीक है नूर कर रही है करी जाए कुछ, ठीक है गर्मी वैसे भी फ्री होती है, तो लेकिन अब मैं इसको टाइम दे रहा हूँ, इसके साथ जो है फुल सपोर्ट कर रहा हूँ, पहले भी सपोर्ट कर रहा था लेकिन इतना बर्डन ना जिनको ना इंटरेस्ट नहीं था, जी जब से हमारा ओरिजिनल जो है ना चैनल मोनेटाइज हुआ है और हमें अर्निंग स्टार्ट हो गया, तो इस वजह से नजम को है ना पता चल गया, पहले ये था कि फेड अप हो गए थे और ये पता था कि शायद फेक है कि नहीं ओरिजिनल नहीं है, मैं तो बस ये समझता कि ठीक है नूर को शौक है टिकटॉक बनाना और चैनल्स की वीडियो देखती थी बनाती थी, मैंने कहा ठीक है यार अपनी मसरूफियत है बिजी रहती है ठीक है फ्री रहने से अच्छा है चलो मसरूफ़ रहती है बिजी है कोई टेंशन नहीं है, तो लेकिन अब मैंने इसको देखा यार कि ये ठीक है ये चैनल हमें बनाना चाहिए, आप लोगों से भी मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना चैनल बनाएं, अपने आप को दुनिया के सामने पेश करें, टैलेंट जो है अपना दिखाएं, हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, तो बेशक टैलेंट अंदर रखने की बजाय लोगों को आप उजागर करें कि उनको भी आपसे फायदा हो, तो बस यही मकसद था वीडियो बनाने जी का। और मेन यही मकसद है, और इसके अलावा मैं आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह, फैमिली की तरह,
कि मैं आपको अपना समझता हूँ, आपने मुझे अपना समझा और सब्सक्राइब किया, सारा कुछ मुझे मिला, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार प्लीज़ जो है ना, आप लोगों ने हमें बताना है कि यार इस तरह वीडियोस बनाए, बोलने का स्टाइल, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग हमें गाइड करें, हम जो है ना दोनों नूर और मैं मिल के अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएं, अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाएं, और आपको कोई भी जो है ना हमारी बात, हमारा अंदाज़, किसी में भी कोई भी गलती नज़र आती है तो आप प्लीज़ हमें अपने छोटे भाई, बड़े भाई, बहन भाई समझ के गाइड करें, तो आपका दिल से शुक्रिया गुजार हैं हम। तो मकसद यही था वीडियो बनाने का, जो आपके साथ पूरी वीडियो में हमने वीडियो शेयर की है, तो आपने भी हमारा जो चैनल है ना, अब आपने भी ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे आप पहले हमारे चैनल पे जो है ना आप प्यार दिखा रहे हैं और हमें लाइक कर रहे हैं, आपको हम अच्छे लगे तो जिनको तो उन्होंने हमें सब्सक्राइब किया, और ऐसे ही आपकी सब्सक्राइब की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सबसे मेन मकसद, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारा आज का व्लॉग है वो कंप्लीट हो चुका है, बेसिकली जो है ना हम इसी काम के लिए आज मैं और नूर आए हैं, इजीली हम आपके साथ गुफ्तगू कर सकें, हम आपके साथ अच्छे तरीके से बात कर सकें, कोई जो है ना किसी किस्म की इरिटेशन ना हो, तो इसीलिए मैं और नूर आए हैं आपके लिए। ये बोटैनिकल गार्डन में ये देखें कि कितना अच्छा पार्क है, ये यहाँ पे हम आए हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई पाकिस्तान में यार को लाइट का मसला ना बने, कोई किसी किस्म का जो है ना इशू ना हो, तो बिल्कुल इसीलिए खसूसन बिलखसूस आपके लिए, आप इस वीडियो के लिए हम यहाँ पे आए हैं और ये वीडियो शूट की है, और वीडियो शूट करने के बाद हम अब जाएंगे घर, रोज़ा रखा हुआ है, मौसम चेंज हो गया, गर्मी हो गई है, तो लेकिन फिर भी आना ज़रूरी था। ये देखें जी, आपको हमारी मदद की किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़े, जैसे मुझे आपकी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको जो है ना डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो इसीलिए आप लोगों को किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो, आप हमारे इंस्टाग्राम पे जो है ना हमारा चैनल है, आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, हमारे इस व्लॉग चैनल पे जो है ना आप कमेंट कर सकते हैं, तो ज़रूर इंशाल्लाह हम आपको जो है ना हर तरह की जो है इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, जो गाइडलाइन हमारे पास है, हम आपको ज़रूर देंगे। और नूर चलें फिर, अब क्या सीन है, चलें या फिर रुकने हैं यहाँ पे? तो जी फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारा आज का व्लॉग है ना वो कंप्लीट हो चुका है, काइंडली आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इफ्तारी के साथ, तब तक के लिए माहनूर और नजम को अपनी दुआ में याद रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।